नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल और सूर्य। तो आज हम जानेंगे सौर मंडल और सूर्य के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और अन्य आकाशीय पिंडों का जो समूह है उसे हम सौर मंडल कहते हैं। ये एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं जो कि सूर्य से जुड़ी हैं। तो बात है ये 140 ईस्वी की। इस समय एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम है क्लॉडियस टॉमली। इन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को माना। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और इस पृथ्वी के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, और इस थ्योरी को नाम दिया जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। इनके बाद अगले एस्ट्रोनॉमर आए जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने क्या करा, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को नहीं मानकर सूर्य को माना। इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और इस थ्योरी को नाम दिया गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसके बाद अगले एस्ट्रोनॉमर आए जिनका नाम है जोहानेस केपलर। इन्होंने भी सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना और यह भी माना कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हैं, और इन्होंने अपने ग्रहों के गति के नियम दिए। तो यहाँ से आपके दो सवाल आते हैं। पहला सवाल कि सौर प्रणाली की खोज किसने करी, तो वहाँ पर आंसर आएगा कोपरनिकस। और दूसरा सवाल ये आता है कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिए, तो वहाँ आंसर आएगा केपलर। ठीक है, इसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमें हमारी गैलेक्सी जो है आकाशगंगा, मिल्की वे, या जिसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं, इसकी तस्वीर स्पष्ट हुई। सबसे पहले इसे गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो द्वारा इसको देखा गया सबसे पहले। तो उसमें यह पाया गया कि जो सूर्य है वो इसके एक सिरे पर अवस्थित था, मान लो कि जैसे इस पॉइंट पर है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया था कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। तो इस तरह जो सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र में होने का जो गौरव था वो समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि वो इस गैलेक्सी के ही केंद्र में नहीं है, तो ब्रह्मांड के केंद्र में तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, आकाशगंगा या मिल्की वे या दुग्ध मेखला, जिसे किसने देखा सबसे पहले, गैलीलियो ने देखा। और हमारी आकाशगंगा के जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है उसका नाम है देवयानी। ठीक है, अब एक सवाल और ये आता है कि जो नवीनतम गैलेक्सी है या मंदाकिनी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ड्वार्फ। तो गैलेक्सी से रिलेटेड ये तीन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। एक तो हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, और हमारी गैलेक्सी की जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है उसका नाम है देवयानी, और नवीनतम अगर बात करें गैलेक्सी की तो उसका नाम है डवार्फ। ठीक है, गैलेक्सी जो होती है उसमें 80% भाग है ना सर्पिलाकार होता है, ये सर्पिलाकार आकार की होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार है, स्पाइरल। ठीक है, अब हम जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, उससे सूर्य की जो दूरी है वो है 30,000 प्रकाश वर्ष। यहाँ प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% हैं। तो आपको ये परसेंटेज वैल्यू जो है वो डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इसके सीधे सवाल आते हैं कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 71%। हीलियम कितना होता है, 26.5%। तो ये आपको वैल्यूज़ डायरेक्ट याद रखनी है इसकी। अगर हम इसके ऊर्जा स्रोत की बात करें तो इसके ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिक संलयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के चार आयन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेंस वेथ, उन्होंने बताया था कि जब सूर्य के केंद्र पर 10^7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर
एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो ये जिस अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है वो अभिक्रिया है नाभिकीय संलयन, जो कि इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन मीन्स हुआ यहाँ पर जुड़ना, क्योंकि चार हाइड्रोजन आयन जुड़कर एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तो होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन मीन्स बिखरना, जैसे कि परमाणु बम। तो आपसे पूछा जाता है कि जो सूर्य की ऊर्जा स्रोत है वो कौन सी अभिक्रिया द्वारा होती है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर चार हाइड्रोजन आयन जुड़ रहे हैं, तो ये नाभिकीय संलयन। जबकि जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है, क्योंकि वो फट जाता है, बिखर जाता है। बिल्कुल, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसे कोर कहा जाता है या क्रोड कहा जाता है। सेंटर में जो बिल्कुल अंदर होगा उसको हम कहेंगे कोर। इसका ताप होता है 1.5 × 10^7 डिग्री सेल्सियस। 10^7 मीन्स हो गया 1 करोड़। उसको 1.5 से गुणा करेंगे तो 1.5 करोड़, मतलब इसके केंद्र पर जो ताप होगा वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि ग्रह इसके विपरीत, यानी कि ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। आपको इसकी डायरेक्शन ध्यान रखनी है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है सूर्य। अब हम बात करते हैं कोरोना की, जिसे सूर्य किरीट भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसको हम कहते हैं सूर्य किरीट या कोरोना। तो सूर्य ग्रहण के समय ये वाला भाग दिखाई देता है हमें, अभी देख पा रहे होंगे ये वाइट लाइन जो बाहर की बाउंड्री है ना, ये इसको कहा जाता है कोरोना, जो कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ये एक्सरे उत्सर्जित करता है और इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य की जो उम्र है वो करीब 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकेंड, कुछ जगह 8 मिनट 10 सेकेंड भी है, एग्जाम्स में 8 मिनट 4 सेकेंड भी आया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास जो भी आंसर हो वो आपका आंसर होगा। तो 8 मिनट 4 सेकेंड आए, 8 मिनट 3 सेकेंड आए, या 8 मिनट 10 सेकेंड आए, आपका आंसर सही रहेगा। ऑप्शन में बहुत नज़दीक नहीं दिया था, या तो 8 मिनट से कम दिया जाएगा या 9 मिनट के बाद दिया जाएगा आपको। तो आपको इसका टाइम ध्यान रखना है 8 मिनट 16 सेकेंड। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर तो कहते हैं ओरोरा बोरियालिस, और जबकि दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं ओरोरा ऑस्ट्रेलिस। हमारी पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जो सूर्य का ऊर्जा है वो एक पैटर्न के रूप में दिखाई देती है हमारे आकाश में, तो उसी को ये उत्तरी ध्रुव पर जो पैटर्न दिखाई देता है आकाश में उसको कहते हैं ओरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो दिखाई देता है उसको कहते हैं ओरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये आपको ध्यान रखने हैं नाम। सूर्य का जो व्यास है यानी कि डायमीटर, वो है 13,92,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है। अब इसमें दो पॉइंट और रहते हैं, एक तो रहता है प्रकाशमंडल यानी फोटोस्फीयर, और दूसरा है वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर। अब ये क्या होते हैं, जो सूर्य की जो प्रकाशमान सतह है उसको तो हम कहते हैं प्रकाशमंडल यानी फोटोस्फीयर, और जो प्रकाशमान नहीं है उसको हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल। सूर्य की जो कुछ कुछ लेयर्स होती हैं उसी का ये पार्ट है। जैसे सेंट्रल लेयर थी जो बिल्कुल केंद्र में थी उसको तो हमने कहा कोर, जो सबसे बाहर थी उसको कहा कोरोना। इस कोर के बाद में एक लेयर आती है, इसका नाम रहता है रेडिएटिव जोन। इसके बाद दूसरी एक और लेयर आती है, उसको कहा जाता है कन्वेक्टिव जोन। इसके बाद जो लेयर आती है कन्वेक्टिव जोन के बाद में, उस लेयर को कहा जाता है फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर के बाद जो लेयर रहती है उसको कहा जाता है क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर के बाद जो लेयर आती है उसको कहा जाता है कोरोना। ये सूर्य की संरचना का भाग होते हैं, जिस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम समझाएंगे कि ये होते क्या हैं, कोर क्या होता है, रेडिएटिव जोन क्या होता है, कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना, उसमें हम डिटेल से समझेंगे। तो हमें अभी सिर्फ इतना सा देखना है कि प्रकाशमंडल क्या है, सूर्य का जो प्रकाशमान सतह है, सॉरी सूर्य की जो प्रकाशमान सतह है उसको तो हम प्रकाशमंडल कहेंगे, और जो प्रकाशमान नहीं है उसे हम क्रोमोस्फीयर कहेंगे। और ये लेयर के रूप में देखें तो कोरोना के जो नीचे आएगी वो क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर के जो नीचे लेयर आएगी वो फोटोस्फीयर होगी। तो ये था सूर्य के बारे में। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।